हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों यहां पे अगर आपके फ़ोन पर जो इंस्टाग्राम है उसमें यहां पे लॉगिन नहीं होता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज़ यहां पे अगर आप लोग यहां पे इंस्टाग्राम में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपके फ़ोन पर लॉगिन नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सेटिंग को ओपन करिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की ओर जाना है, फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर जाना है और फिर यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है और इंस्टाग्राम लिखना है। इस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम लिखिए और उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऊपर की ओर स्लाइड करना है, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज का, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को वाईफाई एंड मोबाइल डेटा का जो ऑप्शन आता है तो दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे इनेबल करना है। तो इससे क्या होगा कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन का इंटरनेट को यूज़ कर पाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद आपको एक और सेटिंग कर लेनी है, सेटिंग तो नहीं है बट आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे इंस्टाग्राम लिखेंगे तो आपके फ़ोन में अगर अपडेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे इसको क्लिक करके अपडेट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।